हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल कुकिंग द ड्रीम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी खांसी कफ को दूर करने के लिए एक गोली, जो आपके किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स से ही तैयार हो जाएगी, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत देंगी। सबसे पहले लेंगे हम लौंग। लौंग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम से हमें बचाती है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। लौंग साइनस इम्यूनिटी बढ़ाने में, डाइजेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद हम लेंगे हल्दी। हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वात कफ को कम करने वाले गुण होते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया और एंटीफंगल तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसके बाद लेंगे हम काली मिर्च। काली मिर्च हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहने वाली मसालों का ही एक हिस्सा है। इसके औषधीय गुण भी है। सुबह खाली पेट काली मिर्च का सेवन गुनगुने पानी के साथ किया जाए तो शरीर को काफ़ी फायदे होते हैं। आयुर्वेद की माने तो काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। काली मिर्च में पेपरिन नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होता है। उसके बाद लेंगे सौंठ। सौंठ की बात करें तो अदरक की तरह ही सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फॉलेट एसिड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ शरीर की काफ़ी बीमारियों यानी खांसी, जुकाम, कफ में काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद लेंगे हम गुड़। गुड़ पोषक तत्वों से भरपूर है। गुड़ में प्रोटीन, विटामिन B12, B6, फॉलेट, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फरस और सेलेनियम जैसे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। गुड़ सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम देता है। सबसे पहले हम सूंड का एक टुकड़ा लेंगे। उसके बाद लेंगे 7 से 8 लौंग। इसके बाद हम लेंगे 18 से 20 काली मिर्च। इसके बाद हम 1/4 चम्मच हल्दी लेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद इस मिक्सचर में गुड़ डालेंगे। इस मिक्सर में गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्सर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें और गुड़ डाला जा सकता है। मिक्सर रेडी होने के बाद में इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। इस मिक्सर से 20 गोलियां बन जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।